हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो ऑफिस चेयर का जो है मीडियम बैग का फ्रेम बनाने वाले हैं लकड़ी का। तो आज हम बताएंगे आपको प्लाईवुड कैसे कट करना है, लकड़ी कैसे कट करना है, कौन सा मशीन से कट करना है, ठीक है? तो आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 18 mm का प्लाईवुड ले लेना है, 15 रहेगा तो और बेटर रहेगा। और उस पर आपको मार्किंग कर लेना है, यानी मीडियम बैग का एक मार्किंग ले लेना है प्लाईवुड का, और उसको आपको रख के मार्किंग कर लेना, ठीक है? जिस तरह ये लड़का मार्किंग कर रहा है पेन से या रूल की मदद से, कैसे भी आप मार्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये कर रहा मार्किंग, ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि मार्किंग आपको हिलाना नहीं है। उसके बाद आपको जिक्सा मशीन लेना है, इसी से कट करना है, और आपको स्ट्रेट चलाना है, कोई आगे जैसे है लाइन ऐसे ही आपको चलाना है। नए नए में आपको चलाने में थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है ना? लेफ्ट राइट ज़्यादा भागेगा इधर उधर। तो एक दो दिन आप जब कट कर लेंगे प्लाईवुड, तो फिर सही चलने लगेगा, फिर हाथ बैठ जाएगा आपका। तो जैसे ये देखो, ये बंदा चला रहा है, ये 18 mm पे चला रहा है, इतना मोटा लकड़ी पे, और इतना अच्छा चला रहा है। और ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मेरे पास, ये कोई 10-15 दिन से ही काम कर रहा है मेरे पास। और इसका हाथ देखो कितना अच्छा बिठा लिया है अभी तक। और आपको अच्छा से काटना है, अंगुली उंगली कट नहीं कर लेना है आपको, ठीक है? अरे मशीन जो है बहुत आवाज़ करता है, इसलिए म्यूट कर दिया हूँ मैं बैकग्राउंड का म्यूज़िक। आपको ऐसे ही कट कर लेना आराम से, जैसे ये कट कर रहा है। अभी ये बंदा मेरे पास आया है, देखेंगे कितना दिन में ये सीखेगा। अभी तो सिर्फ 10 से 12 दिन हुआ है। चलो ये कट कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपको कट कर लेना। उसके बाद आपको 3 इंची बाय 1 इंची लकड़ी ले लेना है, ये रहा 3 इंची बाय 1 इंची। उसके बाद 2 इंची बाय 1 इंची, यानी 2 इंची बाय 1 इंची लकड़ी आपको 5 लगेगा, और 1 इंची बाय 3 इंची आपको 2 लगेगा, ठीक है? तो मोटा वाला आपको फ्रेम में लगे, प्लेट में लगेगा। तो आपको 18.5 इंची ले लेना है चौड़ा, क्योंकि हमको 20 इंची फ्रेम का चौड़ा रखना है। तो यहाँ 18.5 प्लस 1.5 इंची हो जाएगा आपका प्लाईवुड का, यानी 18-18 mm, दो अगर जोड़ेंगे तो 1.5 इंची हो जाएगा। तो मैं सेट कर दिया 18.5 पे, उसके बाद लकड़ी कट कर लेना। वहाँ मैं कील ठोक दिया हूँ लकड़ी में, तो 18.5 करके इंची टेप से। और एक बार आपको देख लेना गुनिया की मदद से भी, और लंबाई भी, जो 18.5 है कि नहीं, और सीधा कटिंग हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको कट कर लेना, ठीक है? चलो मैं कट कर लेता हूँ। अभी मेरे को 20-25 फ्रेम बनाना है, तो आपको मैं एक ही फ्रेम दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है आपको, कैसे कट करना है। अगर आपके पास ऐसा मशीन नहीं है, ठीक है ना, तो आप जो टाइल्स काटने वाला मशीन रहता है उससे कट कर लेना, क्योंकि हमारा यहाँ लकड़ी का काम बहुत करते हैं, तो हम इसी से कट कर लेते हैं, इसमें बहुत आसान होते हैं। तो ये मेरा प्लेट वाला लकड़ी कट हो रहा है 3 इंची बाय 1 इंची, यानी 3 इंची चौड़ा है, 1 इंची जाड़ा है, मतलब वो भी मोटाई है। और इसको भी आपको कट कर लेना है। और ये मशीन जो है बहुत पावरफुल है, ध्यान से चलाना पड़ेगा अगर है आपके पास तो, पहली बार कट करें तो। आप उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल लेना है, आगे से आपको 3 इंची ले लेना है, एक में ही मारना है आपको, आगे से 3 फिर 10 ले लेना है, मतलब आगे से 3 और इधर, यानी 13 पे मारना है, एक 3 पे मारना है, इसमें भी हमको मार लेना है दोनों में, कि वहाँ प्लेट लगेगा, ठीक है? जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसे, और इसको भी रख लेना है आपको, उसके बाद देख लेना आप बीच में है कि नहीं, और दोनों साइड बीच में वहाँ मार देना, ठीक है? उसके बाद एक जने से तो ठोक नहीं सकते, और ये ढांचे ठोकने का मशीन है, ठीक है? प्रेशर से ही ठोका जाता है इसमें। और इसमें जो है 2 इंची का पील लगा गया है, यानी 2 इंची डीप लकड़ी में जा सकता है ये पिन, ठीक है? कील है समझ लो, बहुत मजबूत कील, हम दिखाएंगे बाद में आपको कितना मजबूत रहता है ये कील। 2 इंची तक कील इसमें लगा सकते हैं, और ऑलरेडी लगा हुआ है 2 इंची का कील इसमें। पहले एक एक मार लेना है आपको, जहाँ जहाँ दाग मारे हैं, ठीक है? पहले आपको एक एक लगा लेना है, एक एक किल मारना है सबसे पहले, आपको कच्ची करना है सबसे पहले आपको। अभी कितना और एक लकड़ी लगाना है वहाँ मेरे को, तो अभी
चलो एक लगा लेता हूँ मैं, और ये मैं लगा लिया। उसके बाद आपको घुमा लेना, फिर इसके ऊपर एक लकड़ी रख लेना, और जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग किया था यानी एक 3 इंची पे, एक 10 इंची पे, यानी 3 और 10 13 हो गया, वहाँ वहाँ आपको मार लेना, एक एक पिन सब में मार लेना है लकड़ी में। पहले सबसे पहले आपको कच्ची करना है, और ये काम 2 जने से होगा, 1 जने से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक को पकड़ना पड़ता है। और ये मशीन आपको ध्यान से चलाना है, अगर कहीं अगर लग गया ना तो सीधा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये देख, ये हो गया। उसके बाद आपको पिन मारना है, ये पिन का लंबाई 2 इंची रहता है, तो आपको पैर में नहीं मार लेना है, बहुत प्रेशर है इसमें और प्रेशर से ही चलता है। जैसे जैसे मैं मार रहा हूँ, अगर ये मशीन चलाने नहीं आता तो मत चलाइए, कील से ही ठोक दीजिए, ठीक है। 2 इंची का कील आता है बाज़ार में, वो आप डायरेक्ट उससे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया अपना फ्रेम, देखो कितना जल्दी हो गया, ठीक है। ये दफ़ा पिन देख लिए आप,